नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बॉयलर चिकन करी लोकल देसी स्टाइल में। और अभी प्याज कटिंग कर रहे हैं, देखिए अभी प्याज कटिंग कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्याज कटेंगे क्योंकि रेस्टोरेंट का चिकन है, थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ता है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा प्याज कट रहे हैं अभी और थोड़ा कटेंगे। ये देखिए दोस्तों, आप भी इतना काट चुके हैं और ये नहीं लगेगा, ज़्यादा होगा। तो अभी हम कटेंगे चिकन दोस्तों, देखिए ये रहा चिकन, अभी कटेंगे चिकन और इसको मीडियम पीस करेंगे हम लोग, ज़्यादा छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, बिल्कुल मीडियम पीस करेंगे क्योंकि रेस्टोरेंट में है ना, थोड़ा मीडियम भी पीस करते हैं, ज़्यादा छोटा नहीं करते हैं। तो इसको मीडियम पीस करेंगे दोस्तों। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करें और मेरे इसमें ऑल रेसिपीज मिलेंगे आपको, इंडियन चाइनीज़ वेज नॉन वेज टोटली मिलेगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करें और हो सके तो लाइक भी करें दोस्तों। ये रहा चिकन कटिंग हो रहा है अभी और इसको अभी इसमें रखेंगे। चिकन जो होता है ना दोस्तों, एक ही बार में शायद इसको कटिंग करके नहीं रख सकते क्योंकि हम लोग का जब भी अभी रोज़ का रोज़ बनाते हैं हम लोग, क्योंकि फ्रेश। अभी देखिए दोस्तों, ये कट के हो गया है और ये जो बाकी रेजक है वो भी किराए बैठ गया है। अभी कढ़ाई में डालेंगे बिल्कुल आपका मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, ये डाल दिए और इसको गर्म होने देंगे क्योंकि दोस्तों हम लोग मस्टर्ड ऑयल से चिकन बनाते हैं। अभी देखिए ऑनियन डाल दिए, ऑनियन डालने के बाद अभी इसको हल्का सा भूनेंगे और अभी भून लेंगे थोड़ा सा और दोस्तों आप लोग भी एक बार ट्राई कर लीजिए मेरे स्टाइल से। लेकिन मेरा स्टाइल जो है बिल्कुल ही मसाला लेस्ट है, मसाला बिल्कुल कम है और ये लोकल स्टाइल जो होता है वही बनाए हम लोग चिकन कड़ी, इसमें हम लोग ज़्यादा मसाला नहीं डाले हुए हैं। गरम मसाला हो या धनिया पाउडर जीरा पाउडर बहुत कम यूज़ किए हुए हों। तो आप लोग भी इस तरह से बना के अगर एक बार ट्राई करेंगे तो कर लीजिए, लेकिन हमारे इधर तो यही चलता है अच्छे से अभी, क्या बोले क्योंकि मसाले कम खाते हैं। अभी ये देखिए दोस्तों, ये भुन रहे हैं, अभी डालेंगे थोड़ा सा आपका हल्दी डालेंगे और हल्दी डाल लेंगे थोड़ा सा, ये देखिए नमक स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और इसको अभी डाल के भूनेंगे। अभी थोड़ा देर भूनेंगे उसके बाद फिर हम लोग दूसरा जो आपको मसाला बना के, ये धनिया जीरा पाउडर का जो है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया अभी, और अदरक लहसुन का जो है पेस्ट वो डालेंगे। ये देखिए डाल दिए पूरा अदरक लहसुन का पेस्ट, करीबन दोस्तों ये चिकन है 2.5 केजी है, 2 केजी 500 ग्राम है।
बड़ा कराइए। इसमें अभी रोज़ का इतना अभी चलता है, तो थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है दोस्तों ये, थोड़ा सा गरम मसाला 1 टेबल स्पून और धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून ये डाल दिए, 2 टेबल स्पून है, और जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे, बस हो गया। ये मसाला और ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, कम ही मसाला है, लेकिन थोड़ा करी है तो थोड़ा पानी उनी डाल के, मतलब लोकल स्टाइल के यही बनाएंगे। बाकी हम लोग ग्रेवी नहीं पीसे, जो आपका रेस्टोरेंट में ग्रेवी होगा वो नहीं पीसे है, और हम लोग का इधर यही सिंपल चलता है, तो हम लोग यही इसी तरह से बनाए हैं। ये आपका ज़्यादा मसालेदार नहीं है, तो दोस्तों आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिए कैसा टेस्ट आप लोग का बैठता है, और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, जितना से हो सके आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों ये देखिए, मैं ये देखिए अभी हो रहा है, इसका बन रहा है, मैं भून रहा हूँ अभी, तो और थोड़ा सा टाइम और लगेगा, काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन मैं काट काट के आप लोग के लिए थोड़ा शॉर्ट ही वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं किया हूँ वीडियो, क्योंकि अभी समय सबको कमी है हर चीज़ में। तो ये देखिए मैंने पानी भी डाल दिया, करीबन मेरे को ये चिकन बनाने के लिए आधा घंटा से 40 मिनट का टाइम लगा हुआ है, लेकिन मैंने वीडियो काट काट के थोड़ा शॉर्ट बनाया हुआ, तो थोड़ा आप लोग को क्योंकि तकलीफ़ ना हो, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, बल्कि इसीलिए मैंने कम बनाया। तो ये देखिए पानी और थोड़ा ऐड कर देंगे, और अभी देखिए उबल आ जाएगा, तो मेरा ये चिकन बन के हो गया तैयार दोस्तों। क्योंकि हम लोग को काफ़ी सारा काम करना पड़ता है, तो चिकन कड़ी हम लोग इसी तरह से सिंपल बनाते हैं, और सिंपल ही आदमी लोग खुशते भी है, इसी तरह का चलता है। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए, और सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाइक करें। तो दोस्तों ये देखिए मेरा चिकन बन चुका है और रेडी हो चुका है, तो आज के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।